पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने न्यू पोकेमोन का यूज करके क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, जहां पर उसके सबसे पहली बैटल एंथनी नाम के पोकेमोन ट्रेनर के साथ होती है, जो कि थॉर्नेट पोकेमोन का यूज करता है। बैल के स्टार्ट ऐश के मुताबिक नहीं होती है। थॉर्नेट पोकेमोन ऐश के न्यू पोकेमोन को डोमिनेट कर रहा होता है। ऐश के पोकेमोन को बैल करने का कोई भी आइडिया नहीं था, पर लास्ट में वो अपने टेल का यूज करके अटैक करता है, जिससे थॉर्नेट पोकेमोन हार जाता है। इसके बाद ऐश की बैटल टॉप 100 में जॉर्ज के साथ होती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप पोकेमोन स्पार्कलिट को यूज करता है। अब आगे ऐश अपने न्यू पोकेमोन का यूज करता है। इस बार वो पूरी तरह से रेडी होता है और प्रैक्टिस करके आया था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। अभी भी ऐश के न्यू पोकेमोन को बैल करने में दिक्कत आ रही थी। स्पार्कलिट पोकेमोन उसको डोमिनेट कर रहा होता है। वो अपने इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप अटैक का यूज कर रहा था और वो फिजिकली काफी ज्यादा फास्ट पोकेमोन था। मिस्टी बोलते हैं कि एक बेबी पोकेमोन के अकॉर्डिंग स्पार्कलिट एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन और फास्ट पोकेमोन लग रहा है। सैना बोलती है, हाँ मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा। अनाउंसर बोलता है कि बैटल में स्पार्कलिट पूरी तरह से आगे है। ऐश का पोकेमोन कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी इतने फास्ट पोकेमोन को नहीं देखा था। ऐश बोलता है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, अपनी जगह पर वेट करो। स्पार्कलिट पोकेमोन ऐश के पोकेमोन के पास आता है। तभी ऐश बोलता है, अभी अपने टेल का यूज करके अटैक करो। ऐश का पोकेमोन बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे स्पार्कलिट नीचे गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश का पोकेमोन काफी सारे रॉक्स को क्रिएट करके अटैक कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐश को इस अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेबी पोकेमोन ने इसका सबसे पहली बार यूज किया था। यह अटैक स्पार्कलिट के ऊपर लग जाता है और स्पार्कलिट हार जाता है। जॉर्ज पूरी तरह से शॉक रह जाता है, पर ऑडियंस और अनाउंसर को पता होता है कि ऐश का पोकेमोन क्या क्या कर सकता है। रेफरी बोलता है कि स्पार्कलिट अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि ऐश का पोकेमोन विनर है। और अब ऐश टॉप 50 राउंड में चला गया है, वहीं पर जॉर्ज एलिमिनेट हो चुका है। उसकी जर्नी यहीं पर खत्म होती है। जॉर्ज बोलता है, क्या मेरी जर्नी यहाँ पर खत्म होती है? मैं एक और बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला था सिंबल के लिए। रेफरी बोलता है, हाँ तुम्हारी जर्नी यहीं पर खत्म होती है। सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 पोकेमोन ट्रेनर्स ही अटेम्प्ट वापस कर सकते हैं। जॉर्ज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और जमीन पर गिरकर रोना स्टार्ट कर देता है। पर तभी ऐश वहाँ पर आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तुम अगले लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और स्पार्कलिट की पावर देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि अगले अटेम्प्ट में तुम्हें सिंबल जरूर मिलेगा। जॉर्ज खड़े होकर ऐश से हाथ मिलाकर उसको थैंक यू बोलता है और वो उसको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट भी कहता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका पोकेमोन काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऐसे करते हुए ऐश और उसका पोकेमोन अपने बीच में आने वाले सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट करते जाते हैं। एक के बाद एक वो सारे ही पोकेमोन ट्रेनर्स को वन साइड बैटल में हराते हैं और पहुंच जाते हैं टॉप 2 में, यानी कि फाइनल्स में, जहां पर दो अनडिफीटेड पोकेमोन ट्रेनर्स बैटल करने वाले थे। इन दोनों के पोकेमोन सबसे स्ट्रांग थे इस पूरे टूर्नामेंट में। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका फर्स्ट क्वेस्ट था एंड उसके अंदर ही उसने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इसी बीच ऐश को अपने बेबी पोकेमोन का नाम भी पता चल जाता है, जो कि था ओम्नोगोन। ये चीज ऐश का पिकाचू ऐश को बताता है। ओम्नोगोन और पिकाचू दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ओम्नोगोन भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट अब तुम्हारी बैटल इस टूर्नामेंट के सबसे स्ट्रांग पोकेमोन ट्रेनर से होने जा रही है। हमें नहीं पता कि वो कौन से पोकेमोन का यूज करने वाला है एंड उसने अपना फेस भी ढक कर रखा है। ऐश बोलता है, मुझे अपने ओम्नोगोन के ऊपर भरोसा है, उसने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैं फाइनल बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मिस्टी बोलती है कि बट तुम्हारा अपोनेंट मुझे इस बार अजीब लग रहा है। यहाँ पर तुम्हारे जितने भी अपोनेंट थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और तुमसे बात करते थे बैटल करने से पहले, बट वो पोकेमोन ट्रेनर हमें आसपास कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। इवन उसका फेस भी ढका हुआ है, वो एक मिस्टीरियस पोकेमोन ट्रेनर है। इसी तरह से टाइम बीतता है और वो टाइम आ जाता है जब ऐश की फाइनल बैटल होने वाली थी। ऐश स्टेडियम के अंदर आ जाता है और स्टेडियम के अंदर काफी ज्यादा शोर मच रहा होता है, पूरा स्टेडियम पैक्ड होता है। वो मिस्टीरियस पोकेमोन ट्रेनर जो कि ऐश का अपोनेंट था वो भी बाहर आता है और पूरी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, जिससे ऐश को रियलाइज होता है कि इस पोकेमोन ट्रेनर का फैन बेस काफी ज्यादा है, ये जरूर कुछ स्पेशल होगा। वो पोकेमोन ट्रेनर ऐश से बात भी नहीं करता है। रेफरी बोलता है कि एक 1v1 पोकेमोन बैटल होने वाली है, जो भी इस बैटल को हारता है उसको सिंबल मिल जाएगा फर्स्ट क्वेस्ट का और वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। एंड जो पोकेमोन ट्रेनर यहाँ पर हार जाता है उसको अगले अटेम्प्ट में डायरेक्ट टॉप 10 में एंट्री मिलेगी, उसको बाकी की बैटल नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टीरियस पोकेमोन ट्रेनर बोलता है कि मुझे इस रूल से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ पर जीतने आया हूँ। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने ओम्नोगोन पोकेमोन को भेजता है। वहीं पर वो मिस्टीरियस पोकेमोन ट्रेनर भी अपने पोकेमोन को भेजता है, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ये पोकेमोन ऐश ने इससे पहले देखा था एंड उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। ये पोकेमोन कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन और पॉइजन टाइप का पोकेमोन पॉइपोल था। इसको देखकर ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना भी शॉक रह जाते हैं कि हमारे वर्ल्ड का पोकेमोन यहाँ पर कैसे आया। मिस्ट्रियस पोकेमोन ट्रेनर बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस पोकेमोन को देखकर शॉक क्यों रह गए हो? ऐश बोलता है कि नहीं, मैं शॉक नहीं हुआ हूँ। बैटल स्टार्ट हो जाती है। पोइपोल यूज करता है टॉक्सिक अटैक का, जो कि ओम्नोगोन के ऊपर लग जाता है और वो पॉइजन हो जाता है, यानी कि उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। ऐश बोलता है, ओम्नोगोन अपने टेल का यूज करके अटैक करो।
ओमनोगन पॉइपोल के पास पहुंच जाता है, पर पॉइपोल अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और ओमनोगन के पीछे जाकर यूज करता है हेडबट अटैक का, जिससे ओमनोगन नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है ओमनोगन वापस से खड़े हो जाओ और हिडन पावर अटैक का यूज करो। ओमनोगन काफी सारे रॉक्स को क्रिएट करता है और उनको पॉइपोल की तरफ लॉन्च करने वाला होता है कि तभी उसको पॉइजन का डैमेज पड़ता है एंड वो अटैक नहीं कर पाता। इसी का फायदा उठाते हुए पॉइपोल यूज करता है पॉइजन जैब अटैक का, जो कि ओमनोगन के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। अब ओमनोगन काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलते हैं ओमनोगन क्या तुम ठीक हो? ओमनोगन अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर पॉइपोल को बोलता है कि हमें पीछे नहीं हटना है, अभी फ्यूरी अटैक का यूज करो। पॉइपोल फ्यूरी स्पाइप का यूज करने ओमनोगन के पास आ जाता है, पर ओमनोगन अपने टेल का यूज करके अटैक करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन को इक्वल डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि यह सबसे पहली बैटल है जहां पर ओमनोगन स्ट्रगल कर रहा है, वरना सारे पोकेमॉन्स को वो वन साइड डिफीट करता था। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, ऐसा तभी होता है जब दो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने होते हैं। सैना बोलते हैं कि बट पॉइपोल एक बेबी पोकेमॉन के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक ने भी इस चीज को नोटिस किया था। ब्रॉक बोलता है कि शायद इसको फोर्सफुली इवॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि पॉइपोल तभी इवॉल्व करता है जब वो ड्रैगन पल्स नाम का अटैक सीख ले, इसके पहले वो इवॉल्व नहीं हो सकता। एंड शायद इस पॉइपोल को फोर्सफुली ड्रैगन पल्स अटैक ना सिखाया गया हो, जिसके चलते ये अपने अनइवॉल्व फॉर्म में ही ज्यादा लेवल का हो चुका है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने ओमनोगन को हिडन पावर यूज करने बोलता है, जिसको पॉइपोल डॉज कर लेता है और यूज करता है हेडबट अटैक का, जिसको ओमनोगन डॉज कर लेता है। कमेंटेटर बोलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस बैटल चल रही है, बट अभी के लिए लग रहा है कि पॉइपोल थोड़ा सा आगे है। ऐश और उसके ओमनोगन को कोई तरीका ढूंढना होगा कमबैक करने का। ऐश बोलता है कि ओमनोगन अभी हिडन पावर अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में पॉइपोल पॉइजन जैब अटैक का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स आसपास आ जाते हैं, पर तभी ऐश के ओमनोगन को वापस से पॉइजन का डैमेज पड़ता है और वो अटैक को रोक देता है। दूसरी तरफ से पॉइपोल अपने पॉइजन जैब अटैक का यूज कर देता है, जो कि ओमनोगन के ऊपर लगता है और वो वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों तरफ स्मोक हो गया था। ब्रॉक, मिस्टी, सैना, ऐश तभी लोग नर्वस होते हैं और स्मोक हटने का वेट कर रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि ओमनोगन क्या तुम ठीक हो, बट ओमनोगन कोई भी आंसर नहीं देता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि पॉइपोल बहुत बढ़िया, अब ओमनोगन का काम हो चुका है।